अभी हमने यहाँ पे मॉस देख लिया, सुल्तान मॉस, क्योंकि हम अरब स्ट्रीट ही गए थे तो हमने वहीं पे एक्सप्लोर कर लिया वो। उसके बाद अभी हम यहाँ पर गुरुद्वारे जाएंगे और उसके बाद टेम्पल चले जाएंगे, और आज वैसे भी गुरुपुर्ब भी है तो हम गुरुद्वारे हो ही आएंगे। तो बस अभी थोड़ी देर हम यहीं पर रुके हैं और उसके बाद फिर से कैब करेंगे वापस लिटिल इंडिया के लिए। और पता है सिंगापुर इतना क्लीन है, आप देखोगे रोड देखो आप मेरे पीछे से कितनी क्लीन है, बहुत साफ सफाई रखी हुई है और लोग खुद भी ध्यान देते हैं और बहुत सेफ कंट्री है। कल सच में हम इतनी रात को लेट तक बाहर थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इतने लेट हैं, हमें बहुत सेफ फील हो रहा है। हमने कार बुक की है, अब हम आए हैं गुरुद्वारे पे जो कि लिटिल इंडिया से 15 मिनट की वॉक पे है, तो हमने कैब बुक कर ली थी। बहुत अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और अब हम यहाँ पर लंगर चखे जाएंगे अगर हम यहाँ पर आए हैं इतनी दूर तो। लंगर में बहुत कुछ है, यहाँ पे सब्जी है, दाल है, वो मीठी सेवी है, राइस है, चपाती और ये पकौड़े भी हैं। हम बस यहीं पर बैठ के अपना लंगर करके जाएंगे। एक शॉप है जो फ्रेशली कट मैंगोज और एक दो और फ्रूट्स बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ से मैंगो लिए जो हमने लिए $2 का, ये एक बॉक्स है। अब मैं मैंगोज खाते खाते अब जाऊंगी मैं मंदिर, क्योंकि हम मॉस्क भी देखा है, सुल्तान मॉस्क, और गुरुद्वारा भी देखा है, बहुत अच्छा था। अब हम मंदिर जाएंगे, यहाँ पार्ट है सिंगापुर का जहाँ पे इतनी ब्यूटी है वहाँ पर ये वाला फेस भी आता है। लिटिल इंडिया के शायद होटल्स का बैक साइड पड़ता है ये, बीच बीच में गलियों में से हम निकल कर जा रहे हैं। बहुत सुंदर टेम्पल है ये यार, बहुत सुंदर, इतना प्यारा आर्किटेक्चर हुआ हुआ है ऊपर। जी लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति है यहाँ पर, ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है उन्होंने। सामने ना आपको काफी सारी शॉप्स दिख जाएंगी जो कि फूल माला वगैरह बेच रही हैं, अगरबत्ती, इन सब की शॉप्स हैं यहाँ पर। और काली माता के लिए वहाँ पर आपको नींबू की माला जो उन पर चढ़ती है वो भी इन्होंने बहुत सारी बनाकर लगाई हुई है, बहुत सारी है। पूरी लेन में पीछे तक पूरी गोल्ड की शॉप्स हैं सारी। तो आज का दिन था शुक्राना का, हमने शुक्राना किया है। अब मैं वापस रिटर्न जा रही हूँ दिल्ली। आज है मेरी फ्लाइट रात को 11 बजे की और मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट पे 5:30, क्योंकि यहाँ पर ना आपको अर्ली चेक इन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो आप कितना भी जल्दी आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ पर ना एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। मैं हूँ अभी चांगी एयरपोर्ट पे, और आप इसको सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे थिएटर है, यहाँ पे ज्वेल है जो कि इंडोर वाटरफॉल है, यहाँ पर आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, यहाँ पे सनफ्लावर गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, सो बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए। तो आप अगर आपकी नाइट की फ़्लाइट है या फिर आपकी मॉर्निंग के, तो उससे पहले आए, और अगर आपकी नाइट की फ़्लाइट है तो इवनिंग तक आ जाए और बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं आप इसको। तो अभी बस हम भी यहीं पर है और हम सीधा यहाँ से स्काईलाइन लेंगे जो कि टर्मिनल 1 तक जाएगी, और वहाँ पर ही है ज्वेल। तो अगर आपको वहाँ जाना है तो आप ऊपर जाकर वहाँ से स्काईलाइन ले सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एयरपोर्ट यार इतना बड़ा है कि आपको ना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए भी ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ, स्काई ट्रेन टू टर्मिनल 3T3 लिखा हुआ है मेरे पीछे, यहाँ पर ट्रेन आएगी, फिर मैं टर्मिनल 3 तक जाऊँगी ज्वेल के लिए, क्योंकि जहाँ से मेरी फ़्लाइट है वो मैं टर्मिनल 2 पे हूँ अभी। एयरपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, और आप ये नहीं सोच सकते कि आपको अगर ज्वेल देखने जाना है तो आप 10 मिनट में देख लेंगे या कुछ ऐसा, इट्स टाइम टेकिंग, थोड़ा टाइम लगता है, आपको प्रॉपर ट्रेन लेकर आना पड़ेगा। और बहुत क्वाइट है, इतना इतने लोग होने के बाद भी बहुत क्वाइट है ये, बिल्कुल भी शोर नहीं है यहाँ पर। और मैं हूँ अभी ज्वेल पे यार, और ये इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, अमेजिंग, और रात की वजह से ना जो इसकी लाइटनिंग है वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और इन्होंने सारा एरिया पूरे राउंड में बहुत सारे ट्रीज लगाकर कवर किया हुआ, जैसा आप देख सकते हैं, अमेजिंग प्लेस, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप एयरपोर्ट के अंदर हैं और ये आपका टर्मिनल है। यार ये लोगों ने ये बनाया कैसे है, मतलब सिंगापुर में जो भी चीज देखो ना मोस्टली ऐसी लग रही है
कि मतलब कैसे बनाया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सोचा है उस चीज के लिए। कर रहे हैं ना उसके बीच में ऐसे फ्लावर्स से बनाया हुआ है यार, इतना प्यारा लग रहा है ये भी। हर चीज बहुत सुंदर है यहाँ पर। और यहाँ पर ना मैंने एक चीज देखी है कि ग्रीनरी और फ्लावर्स ये वाली चीजें बहुत है, तो यहाँ पर आप फोटोज क्लिक करवा सकते हो। यहाँ पर जैसे लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, तो अगर मैं चेक करती हूँ तो हमें जाना है F30 पे। ओके, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से F30 की तरफ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट वहाँ पर आनी है। तब तक आप थोड़ा सा एयरपोर्ट देख लें, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले आप यहाँ पे। चूँकि ना कि मुझे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, बस अब जहाँ पर हमारी फ़्लाइट आनी है सीधा वहीं पहुँचेंगे। अब बहुत कुछ है यार, मैं क्या क्या बताऊँगी यहाँ पर। जब आप आएँगे ना सिंगापुर में तो खुद ही देख लेना। तो बस हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और बहुत जल्द बस हम इंडिया लैंड कर जाएंगे। 5.5 घंटे की शायद फ्लाइट है हमारी। ये हमारी मील जिसमें बन है, खीर है, चिकन है, राइस है, साथ में भिंडी है यहाँ पर। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।